तो यहाँ के पता चला कि ऑरोविल बंद है और अभी किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। मे बी लाइक दिस ईयर उन्होंने बताया, गार्ड ने बताया कि हो सकता है दिस ईयर लाइक होल 2020 तो लगभग ऐसा ही जाएगा। तो अभी हम सुबह निकल गए थे, सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है, तो हम लोग अपना थोड़ा सा इंतज़ाम करके आए हैं। तो अभी हम चाय पियेंगे और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में हमारे पास है ब्रेड एंड जैम, थोड़ा बटर, तो ये हम खाएंगे और चाय पियेंगे। चाय हम घर से लेके आए हैं क्योंकि थोड़ा सा सेफ्टी की वजह से थोड़ा सा बाहर कम खाना करेंगे, मगर लंच तो करना पड़ेगा, लंच कर लेंगे अच्छी जगह थोड़ा सा जहाँ हाइजीनिक वगैरह हो, चाहे अच्छी तरह सैनिटाइज वगैरह करके और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके। अभी यहाँ पर कोई नहीं है इसलिए मास्क नहीं पहना है, क्योंकि अभी हमें खाना पीना भी करना है। तो आपको कैसा लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है। इतने दिनों में हम लोग घर से बाहर वापस आए, बाहर आए हैं, मगर अभी औरों को तो जा नहीं पाए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे, है ना? अभी क्या कर रही हो? पे सारी ये दुकानें जो आप देख सकते हैं सारा बंद है, तो इसी की वजह से ये बंद है सारा। तो अभी हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे, गरम गरम चाय, गरम गरम चाय, अच्छे मौसम में, ऊपर से ब्रेकफास्ट पेड़ की छाव में। बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है और ये है जामुन का पेड़। यस, तो नाश्ता वगैरह हो गया है, हमारा चाय पी ली है, उसके बाद अब हम चलते हैं पौंडीचेरी की तरफ। सो बीच पर जाएंगे, प्रोमिनेंट बीच जो कि सबसे फेमस लाइक बीच है पौंडीचेरी में। इसके अलावा गोल्डन बीच भी है, मगर वहाँ मुश्किल है, अभी वो खुला भी नहीं होगा शायद। तो गोल्डन बीच क्या है, एक छोटा सा आइलैंड की तरह है जहाँ पर से चारों तरफ पानी पानी और वहाँ बोट के थ्रू ले आया जाता है, छोटी सी बोट होती है तो उसके थ्रू ले आया जाता है। तो वहाँ तक तो पता नहीं, पॉसिबल नहीं है, शायद जा भी नहीं पाए, मगर प्रोमिनेंट बीच जरूर जाएंगे। उसके अलावा वहाँ पर एक छोटा सा पार्क है, पार्क में जाएंगे और आ जाना है। बताओ चल चल बीच पे, तो चलिए चलते हैं बीच पे। गाड़ी पार्क कर दी है और चल दिए हैं बीच की तरफ, काफी चलना हो रहा है। और अगर एक चीज नोटिस किया जाए इधर, तो यहाँ पे सारी रोड के जो नाम वगैरह हैं सारे फ्रेंच हैं, ऑलमोस्ट रूस एफ्रॉ, रूस सफ्रॉ, तो यहाँ पे सारे बहुत सारे सारे जो रोड के जो नाम हैं वो फ्रेंच हैं, आज भी फ्रेंच पे रखे गए हैं। और हवा बस बीच के नज़दीक पहुंच गए हैं, बीच के पास। सुबह सुबह का वक्त है, सो कोई भीड़ नहीं है, अभी तो कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी खुले नहीं है। अभी कुछ नहीं खुला है, मॉर्निंग का वक्त है, अभी तो टाइम लगेगा, 11:30 के आसपास सब खुलेगा। सब जगह पार्किंग फुल के बोर्ड लगा रखे हैं, कहीं भी पार्किंग नहीं है। और वो रहा बीच, तो
एजुकेशन सेंटर। ये यहाँ की लोक अदालत, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी लीगल सर्विस अथॉरिटी लोक अदालत। ये एक यहाँ पर एक और बिल्डिंग, अच्छी बनी हुई है। और ये स्ट्रीट जिस पर हम वॉक कर रहे हैं, ये है लाल बहादुर शास्त्री स्ट्रीट। और इस वक्त हम हैं प्रोमनेड बीच पर, जहां कोई और नजर नहीं आ रहा है, बस इक्का दुक्का लोग हैं। और ये रहा शानदार बीच का नजारा, वो देखिए कितनी सारी बोट्स वगैरह हैं, वो फिशिंग बोट्स हैं सारी, ऑलमोस्ट सारी, दूर दूर तक आपको फिशिंग बोट्स दिखेंगी। ये है पांडिचेरी का सबसे फेमस प्रोमनेड बीच। शानदार नजारा, बड़ी बड़ी लहरें। बस यहाँ पे जैसे कि और जगह बीच में देखा होगा तो वहाँ सैंड वगैरह होता है, यहाँ सैंड नहीं होता, यहाँ पे मोस्टली सारा रॉक्स वगैरह हैं। लोग यहाँ आते हैं सुबह सुबह के वक्त और शाम के वक्त एंजॉय करते हैं, दूर दूर से आते हैं। देखिए कैसे पानी पत्थरों को पार करता हुआ इस तरफ आना चाहता है। और यहाँ पे इन दोनों का फोटोशूट चलता हुआ, दोनों के दोनों मिलके फोटोशूट चलाए जा रहे हैं। बड़े दिनों में फोटोशूट करने का मौका मिला है। देखिए सेल्फी पे सेल्फी। ऐशी तुम्हारी भी हो रही है फोटो, हाँ देखिए। वॉच टावर है सामने और इधर ये गांधी जी का स्टैचू, कुछ पिलर्स भी लगाए हुए हैं जिस पर कुछ ड्राइंग्स वगैरह हो रखी हैं, काफ़ी अच्छी इंस्क्रिप्शंस हो रखा है। शानदार वो है, अच्छा है। देखिए शायद ये उनके फॉलन सोल्जर्स के लिए ट्रिब्यूट है जो उन्होंने यहाँ लगा रखा है,
जब वो यहाँ पर राज करते थे। अच्छा है, गार्डन वगैरह अच्छा बना रखा है, सामने ही बीच है। ये दोनों फिर रुक गए। अब बीच पर एंजॉय करने के बाद वापस पार्किंग की तरफ चलते हुए कैसा लगा ये चीज? बढ़िया मस्त। मैं ना मौसम बहुत अच्छा हो गया, मौसम अच्छा हो रहा है, क्लाउडी है जिसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा रहा। बीच पे बहुत अच्छे से बैठ गए एक डेढ़ घंटे के आसपास हम लोग यहाँ बैठे। ऐसा नहीं होता तो मुश्किल से 15-20 मिनट में निकलना पड़ता। अच्छा रहा। ये भी एक होटल है, काफी होटल खुले हुए हैं, कुछ बंद हैं। अब थोड़ा 12 o'clock के आसपास हो गया है तो जिसकी वजह से अब धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है। जब हम आए थे तब तो थोड़ा सा सब कुछ बंद था, ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ बंद ही है यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से, मगर अब धीरे धीरे सब खुल रहा है। ये भी एक गोल्डन आइस ग्रिल, यहाँ भी एक ये रेस्टोरेंट टाइप का है, रेस्टोरेंट है। ये है मैडम सेंथिस फ्रेंच इटालियन इंडियन चाइनीज रेस्टोरेंट, झोपड़ी सा लग रहा है इसमें। नहीं, अच्छा लग रहा है ये, थोड़ा पुराना टाइप का, थोड़ा ओल्ड लुक दिया गया है इसको, ओल्ड लुक की वजह से और अच्छा लग रहा है। और अब आ चुके हैं दूसरी स्ट्रीट जिसको बोलते हैं रू सफ्रन, जो कि फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन होगा इसका। हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, करा देते हैं लोग हॉर्न मार मार के। दिख रहा है सामने से, भैया धीरे धीरे चलाओ, कहाँ हवाई जहाज बना के ले जाएंगे इसको। बड़ी अच्छी सी स्मेल आई है, कहाँ से आई? ढूंढो ढूंढो ये किसकी है, कुछ क्या है ये जावा का शोरूम इधर पांडिचेरी का, जावा बाइक्स। ये भी एक रेस्टोरेंट है, विला हेलिना हेरिटेज गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट एंड बार। आर्किटेक्चर वाइज लाइक ये ओल्ड पांडिचेरी इज रियली गुड। तो अब गाड़ी में आ चुके हैं और अब चलेंगे हम खाना खाने के लिए, लंच के लिए। तो लंच के लिए देखा जाएगा कि किधर जाएंगे, इधर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये है लाइक पांडिचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज PSC, और नेक्स्ट आने वाली है पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, ये भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी माना जाता है इसको भी। गेट ये रहा पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी विश्वविद्यालय। सो अब लाइक एक छोटा सा ब्रेक लिया था, पिछला ब्रेक में हमने पावर नैप लिया था क्योंकि बहुत नींद आ रही थी, तो रात को सो नहीं पाए थे ढंग से, जल्दी लाइक उठना था और रात को लेट ही थोड़ा लेट सोए थे, उसकी वजह से नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए हमने एक पावर नैप लिया था। तो पावर नैप के बाद अब दोबारा थोड़ा सा नींद आने नहीं लगी, तो सोचा कॉफ़ी वगैरह ले लिया। तो अभी छोटा सा एक ब्रेक लिया और अब निकलते हैं घर के लिए। एक कॉफ़ी आपको पूरी तरह से फ्रेश कर सकती है। अब पूरी तरह से फ्रेश अटेंटिव होकर चलते हैं। अब नींद बिल्कुल नहीं आ रहा है, फीलिंग फ्रेश, नो स्लीपीनेस। और ये
दोनों तरफ से रोड को कवर किए हुए पेड़, बड़ा अच्छा लगता है, रिलीफ भी लगता है। थोड़ी परेशानी होती है जब रोड पर जानवर वगैरह आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कॉफी पीने के बाद थोड़ा सही में थोड़ा वैसा हो गया, फ्रेश 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 सा वैसा लग रहा है जैसे कि ना पकाते चले जाओ चार्ज चार्ज से हो गए। नहीं सही में थोड़ा सा अगर टी और स्ट्रांग टी ना थोड़ा सा ओके इस करें। अभी अभी महाबलीपुरम को क्रॉस किया है और अभी हम लोग एक घंटे के अंदर घर पहुंच जाएंगे। इसी के साथ हमारी जर्नी फिनिश होती है। सुबह को 6 बजे हम निकले थे और अब शाम को हम लोग घर आ गए हैं। और अगर आपको हमारी छोटी सी जर्नी, छोटी सी ट्रिप पांडिचेरी तक की अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारी जर्नी अच्छी लगी है। और आप हमारी फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं नई राइड्स के लिए जो हम आने वाले दिनों में करते रहेंगे, तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।